काशी में पीएम नरेंद्र मोदी ने भरी हुंकार, कहा वाराणसी में हुआ हर तबके में बदलाव, काशी के कौशल को नई ताकत मिली। 19 दिसंबर को बीजेपी मथुरा में निकालेगी जन विश्वास यात्रा, गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल, सीएम योगी के आने की भी संभावना। लखीमपुर कांड में मंत्री के बेटे समेत सभी 13 आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने बढ़ाई धाराएं, रिमांड पर हुई सीजेएम कोर्ट में सुनवाई, फैसला सुरक्षित। योगी पर अखिलेश का तंज, कहा सीएम जानते थे गंगा गंदी है इसीलिए पीएम के साथ नहीं लगाई डुबकी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का रुख कर लेते हैं। काशी दौरे के दूसरे दिन यानी कि मंगलवार को वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी की पाठशाला लगी, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए और इस दौरान पीएम मोदी ने 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके काम काज का रिपोर्ट कार्ड भी लिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने यूपी चुनाव को लेकर भी बड़ी बैठक की, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और जेपी नड्डा समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं इस दौरान बैठक में यूपी चुनाव को लेकर रणनीति बनी और संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में हैं, जहां वो मंगलवार को दूसरे दिन काशी के सर्ववेद मंदिर पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने सदा फलदेव की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, साथ ही मंदिर का दौरा भी किया। आपको बता दें कि पुजारियों से मंदिर की खासियत की जानकारी भी पीएम ने ली। इस दौरान पीएम मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। पीएम मोदी ने मंगलवार को सर्ववेद महामंदिर धाम पहुंचकर वहिंगम योग के 98वें वार्षिकोत्सव को संबोधित किया। इस दौरान लोगों को काफी भीड़ इकट्ठा वहां पर हुई। वहीं अपने संबोधन में क्या कुछ पीएम मोदी ने कहा, आपको सुनाते हैं। आज 5101 यज्ञ कुंडों के विश्व सातवें वैदिक महायज्ञ के रूप में इतने बड़े सह योगासन प्रशिक्षण शिविर के रूप में इतने सेवा प्रकल्पों के रूप में और लाखों लाख साधकों के इस विशाल परिवार के रूप में हम उस संत संकल्प की सिद्धि को अनुभव कर रहे हैं। मैं सदगुरु सदाफल देव जी को नमन करता हूं, उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं स्वतंत्र देव जी महाराज और विज्ञान देव जी महाराज का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो इस परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं, नया विस्तार दे रहे हैं और आज एक भव्य आध्यात्मिक भूमि का निर्माण हो रहा है, मुझे उसके दर्शन करने का अवसर मिला। जब ये पूर्ण हो जाएगा तो न सिर्फ काशी के लिए लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नजराना बन जाएगा। यहां हर साधक गौरवान्वित है कि उनके पारमार्थिक गुरुदेव ने स्वाधीनता संग्राम को दिशा दी थी और सहयोग आंदोलन में जेल जाने वाले पहले व्यक्तियों में संत सदाफल देव जी भी थे। जेल में ही उन्होंने सर्ववेद के विचारों पर मंथन किया, जेल से रिहा होने के बाद उसे मूर्त स्वरूप दिया। साथियों, सैकड़ों साल के इतिहास में हमारे स्वाधीनता संग्राम के कितने ही ऐसे पहलू रहे हैं जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधे रखा। ऐसे कितने ही संत थे जो आध्यात्मिक तप छोड़कर
आजादी के लिए जुटे। भाई और बहनों, आज आप लाखों लोग यहां उपस्थित हैं, आप अलग अलग राज्यों से अलग अलग जगह से आए हैं, आप काशी में अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपनी ऊर्जा और अपने साथ असीम संभावनाएं, कितना कुछ लेकर आए हैं। आप काशी से जब जाएंगे तो नए विचार, नए संकल्प, यहां का आशीर्वाद, यहां के अनुभव, कितना कुछ लेकर जाएंगे। लेकिन वो दिन भी याद करिए जब आप यहां आते थे तो क्या स्थिति थी। जो स्थान इतना पवित्र हो उसकी बदहाली लोगों को निराश करती थी। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी भी मंगलवार को सर्ववेद मंदिर पहुंचे, जहां पीएम मोदी से पहले उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आपको सुनाते हैं। सर्ववेद महामंदिर के यहां के पूज्य आचार्य स्वामी स्वतंत्र देव जी महाराज, स्वामी विज्ञान देव जी महाराज, विहंगम योग से जुड़े हुए सभी साधक श्रद्धालुजन और उपस्थित भाइयों बहनों, देश की आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन आयोजन के अवसर पर विहंगम योग और सर्ववेद महामंदिर के इस 98वें वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन काशी की इस धरती पर हुआ है। बाबा विश्वनाथ का धाम राष्ट्र को समर्पित हुआ है और आज यहां पर सदगुरु स्वामी सदाफल देव जी महाराज किस कर्म भूमि पर आप सभी श्रद्धालुओं से संवाद बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह देश अपने आजादी के उन दीवानों के प्रति जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से पूरे देश के अंदर चल रहे ये कार्यक्रम न केवल उस त्याग और बलिदान से एक नई प्रेरणा प्राप्त करके एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए हम सबको प्रेरित करती है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को कैसे वैश्विक स्तर पर हमें पहुंचाना है, इसके लिए सर्ववेद महामंदिर काज का एक कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब जानते हैं कि सर्ववेद प्राणों की विद्या है, प्राणायाम उसका एक भाग है और योग भी अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी जन विश्वास रथ यात्रा से सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाएगी। आपको बता दें कि 19 दिसंबर को बीजेपी की रथ यात्रा मथुरा से लखनऊ के लिए रवाना होगी, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की भी संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी ने कस्बा मांट में जनसभा को संबोधित किया था। वहीं अब जन विश्वास जीतने के लिए बीजेपी की रथ यात्रा 19 दिसंबर को मथुरा से लखनऊ के लिए रवाना होगी। फिलहाल इस रथ यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मंगलवार को समाजवादी विजय रथ लेकर दो दिवसीय दौरे पर जौनपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी लाल रंग के मायने नहीं समझती, ये रंग भावनाओं का होता है। वहीं सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि उनकी पार्टी जनता के साथ मिलकर बीजेपी को प्रदेश और देश से हटा देगी और यूपी विधानसभा चुनाव पार्टी 400 सीट से जीतेगी। क्या लखीमपुर की घटना किसान भूल जाएंगे? क्या हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ इस प्रदेश की माताएं बहनें बेटियां क्या भूल जाएंगी? क्या आगरा की घटना को भूला जा सकता है? कासगंज की घटना को कौन भूल सकता है? झांसी में जो नौजवान था उसकी पुलिस ने हत्या कर दी, कौन भूल सकता है? आपके जिले में तो लगातार जेल जा रही है पुलिस के ऊपर इनाम घोषित हुआ। आपके गोरखपुर जहां मुख्यमंत्री जी का खुद है जिला, बताइए व्यापारी को मारते नहीं मार दिया क्या? पुलिस की पहली लात में जान चली गई उसकी, क्या ये जानकारी नहीं है? उत्तर प्रदेश की सरकार हटने जा रही है और हम सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और हो सकता है जो मैंने पहले दिन से कहा और आज भी कहता हूँ, आप लोगों का समर्थन और आपका भी समर्थन है, क्योंकि सच दिखाओगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। आपका समर्थन जोड़ करके और इन सब का समर्थन जोड़ करके सबका साथ लेकर के सबके सहयोग को सबको सहयोग और सबकी भागीदारी को देते हुए हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता को समझाने में हम लोग काम सीटें भी इनको हरा देगी भारतीय जनता पार्टी। लखीमपुर खीरी कांड में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में एसआईटी ने अपनी जांच में पाया है कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। वहीं अब एसआईटी ने सभी आरोपियों पर लगाई गई धाराएं भी बदल दी हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर अब गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चलेगा। आपको बता दें बीते 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 4 किसानों को एक एसयूवी कार से कुचल गया था और ये कार अजय मिश्रा टेनी की थी जिसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा भी मौजूद था। खबर गोंडा से है जहां महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सपा विधायक अबू आजमी सपा की परिवर्तन यात्रा लेकर गोंडा पहुंचे जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सपा नेता ने शहर से लेकर गांव तक तमाम जनसभाओं को संबोधित किया और सपा सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई, साथ ही बीजेपी सरकार पर उन्होंने निशाना भी साधा। आज़ादी के पहले उन्होंने ये आज़ादी के पहले जिन्हें यहाँ थे क्या अखिलेश यादव या किसी को सपना आया था क्या कि आज़ादी मिलने के बाद जिन्हा साहब जो है डिवीज़न कराएंगे मुल्क का? आज़ादी के पहले की अगर हिस्ट्री बताई जाए तो इससे क्यों दर्द होता है इन लोगों को? ये तो सुनिए ना, ये लोग जो है ना माइक्रोस्कोप चेकिंग कर रहे हैं, कहते हैं ना रोको मत आने दो। इस तरह से ये लोग है ना कोशिश करते हैं कि कहीं से कोई ऐसी सत्ता में आ जाए, इनको खून लग गया है। जो सरकारें बिल्कुल से बेकार नकारा होती है ना, वो सरकारें मंदिर मस्जिद का मुद्दा ला करके हिंदू मुस्लिम करके देश में सत्ता में बैठे, सरकारों का काम नहीं है ये, काम पुजारियों का है। यूपी के पीलीभीत जनपद में 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक होने वाले बांसुरी महोत्सव को लेकर जिलाधिकारी पुलकित खरे ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कलाकार और कारीगर को एक मंच पर लाने के मकसद से इस बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही बांसुरी महोत्सव कराने का उद्देश्य पीलीभीत का इतिहास, पीलीभीत की संस्कृति और प्राकृतिक विरासत को सबके सामने लाने के लिए भी ये आयोजन किया जा रहा है। डीएम ने बताया कि इस बांसुरी महोत्सव में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज 11 फुट की बांसुरी का रिकॉर्ड तोड़कर बजाने योग्य 15 फीट की बांसुरी के प्रदर्शन का प्रयास किया जा रहा है। पीलीभीत में 17 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच पीलीभीत का बांसुरी महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के जरिए हमारा प्रयास ये है कि जनपद का इतिहास,
जनपद की संस्कृति, जनपद की प्राकृतिक विरासत को सबके सामने लाया जाए। हमारा जनपद पारंपरिक रूप से जाता रहा है, यहाँ बांसुरी का उद्योग रहा है। पूरे देश में जो बांसुरी का वाद्य यंत्र जाता है वो जनपद पीलीभीत से निर्माण होकर जाता है। कोशिश यही करी जा रही है कि इस महोत्सव में है बड़े बड़े बांसुरी बजाने वाले कलाकारों को यहाँ बुलाया जाए, मंच पे उनके आयोजन होंगे है, साथ ही साथ सभी व्यक्तियों के लिए तरह तरह के प्रतियोगिताएं, जैसे गाने की प्रतियोगिता, वादन प्रतियोगिता। यूपी के बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान मुठभेड़ में एंटी नारकोटिक्स टीम प्रभारी योगेश सिंह और एसओ लालगंज उमाशंकर तिवारी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी पर हत्या का आरोप था, जिसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी से पुलिस ने असले भी बरामद कर लिए हैं। यूपी के गाजियाबाद में दुल्हा दुल्हन के फायरिंग का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपको बता दें ये दोनों दुल्हा दुल्हन शादी समारोह में थे, इसी दौरान दोनों ने हर्ष फायरिंग की, जिसका वहां मौजूद एक व्यक्ति ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। तो गाजियाबाद का पूरा मामला है, तस्वीरें आप भी देख सकते हैं किस तरह से स्टेज पर ये दुल्हा दुल्हन मौजूद है और वहीं पर स्टेज से हर्ष फायरिंग करते हुए दोनों नजर आ रहे हैं। कानपुर में दबंगों का को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रहा और इसीलिए यहां आए दिन अपनी दबंगई दिखाते हैं। जी हां, ताजा मामला घाटमपुर कस्बे का है, जहां दबंगों ने एक भट्टा कारोबारी की स्कूटी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसकी वजह से पूरी स्कूटी जलकर राख हो गई। वहीं इस वारदात की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तो कानपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दबंग ये मौजूद हैं और स्कूटी पर पेट्रोल डालकर आग लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि पास में ही सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, जिसमें ये पूरी की पूरी घटना कैद हो गई। हालांकि अब पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो ऐसे में कानपुर का पूरा मामला है, जहां पर दबंगों को पुलिस का जरा सा भी खौफ नजर नहीं आ रहा है। दबंगों ने स्कूटी में आग लगा दी, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से रात के समय में दबंग देखते हैं कि सड़क पर कोई नहीं है, आसपास कोई नहीं है, वहां पर मौजूद एक स्कूटी पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले उसे कर दिया और तुरंत मौके से फरार हो गए, लेकिन पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से हमारे संवाददाता आशीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस तरह से ये मामला पूरा सामने आया है, तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं, इससे साफ कहा जा सकता है कि कानपुर में दबंगों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हैं। जी बिल्कुल, देखिए कानपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पर जो कमिश्नरेट पुलिस व्यवस्था लागू हो गई है, लेकिन कानपुर पुलिस जो कमिश्नरेट पुलिस व्यवस्था लागू उसके बावजूद जो है कानपुर में दबंगे की इस तरह की तस्वीरें आना अपने आप में हैरान करने वाली बात है। ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, रोजाना इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जो पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करती हैं, यानी साफ तौर पर कहा जाए कि दबंगों पर पुलिस का कोई भी खौफ दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल आशीष, और देखिए जिस तरह से ये मामला पूरा सामने आया कि अब तक पुलिस को पता चल पाया कि कौन ये दबंग थे और किसकी स्कूटी थी, क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, देखिए पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जो शिकायतकर्ता उसने शिकायत भी थाने में की है, लेकिन अब तक दबंगों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। हालांकि पुलिस जांच कर पूरे मामले पर कार्रवाई की बात जरूर कह रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस तरह की तस्वीरें क्यों निकल कर सामने आ रही, इस तरह की दबंगई क्यों हो रही, क्या इन दबंगों में पुलिस का खौफ नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी जी चलिए ठीक है आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कानपुर का पूरा मामला है, जहाँ पर दबंगों ने स्कूटी में आग लगा दी है।
सहारनपुर के गांव शाहपुर गाड़ा के पास एक चलती इनोवा गाड़ी में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं आग लगने से कार सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद मामले की सूचना मिर्जापुर थाना प्रभारी अजय कुमार को दी गई। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। फिलहाल कार में आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।